ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत मुस्लिम तंजीमों और कौमी मारूफ अदारों के साथ साथ कुछ मारूफ शख्सियात का एक आला फॉर्म 8-9 अगस्त 1964 को दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में मुनाकदा कमेटी रहनुमाओं के नुमाइंदा मीटिंग में कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह अबुल हसन अली हुसैनी नदवी ने किया और इसकी सदारत डॉक्टर सैयद महमूद ने की। इनके अलावा अतीकुर रहमान उस्मानी, अबुल्लास इस्लाही, मोहम्मद तैयब कासमी, कल्ब आबिद, मिन्नतुल्ला रहमानी, मोहम्मद मुस्लिम, जान मोहम्मद और इब्राहिम सलीमान सेठ ने कलीदी किरदार अदा किया। ये बिहार और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर फिरका वाराना फसादात के साए में तश्कील दिया गया था। इसके बाद वफद ने मुतासर इलाकों का दौरा किया ताकि मुतासरीन को तसल्ली दी जा सके और बिरादरियों के दरमियान पुरमन बकाए बहमी को फरोग दिया जा सके। इस तंजीम के नाम का मतलब ही आपस में मशवरा करना है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत का मकसद मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों को इज्तिमाई तौर पर सोचने, बोलने और कम अज कम वक्त में प्रोग्राम पर पहुँचने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का काम करना है। मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने 31 अगस्त 2015 में नई दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में अपनी गोल्डन जुबली मनाई थी। तकरीब का इफ्तिताह नायब सदर भारत मोहम्मद हामिद अंसारी ने किया था। फिलवक्त इस तंजीम का कारगुजार सदर नवेद हामिद हैं, जिनके सदर रहते पिछले महीने इसकी तश्कील नौ हुई और तकरीबन 150 मेंबरान के जरिए वोटिंग कराकर नए सदर सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील फिरोज अंसारी को बनाया गया, जो मार्च से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। पश्चिम बंगाल में भी इस तंजीम के मेंबरान हैं, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, यहाँ के कन्वेनर ने तकरीबन 10 सालों से इस तंजीम को अपने पॉकेट की तंजीम बना रखा था। ना तो कोई मेंबर साजी की गई और ना ही कोई मरकजी तंजीम से राब्ता में रहे। ऐसे में नवेद हामिद की नज़र कोलकाता के एक मारूफ वकील ख्वाजा जावेद यूसुफ पर पड़ी और उन्होंने इन्हें तंजीम को फाल बनाने की जिम्मेदारी दी। लिहाजा अब्दुल अजीज साहब को जब अपनी दुनिया लूटती नजर आई तो उन्होंने आनन फानन में बगैर मरकजी कमेटी से कोई राब्ता किए रातों रात बंगाल में एक नई कमेटी बना डाली, जिसमें सदर इम्तियाज अली शाह को बनाया गया है। सोशल मीडिया के जरिए जब इसकी खबर नवेद हामिद को मिली तो उन्होंने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस नई कमेटी को जाली कमेटी करार दे दिया है, जिसकी खबर अखबारात में भी छपी है। ये वीडियो इस सिलसिले में अब्दुल अजीज साहब और नवेद हामिद साहब के साथ नाखुदा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक साहब से की गई गुफ्तगू पर मुबनी है और मिल्लत के सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि इनके सामने हकीकत हाल आ जाए। मेरा मकसद ना तो किसी की हिमायत करना है और ना ही किसी की मजम्मत, लेकिन इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे सफ़ों में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज़ाहिर कुछ और हैं और बातनी तौर पर कुछ और, इसका फैसला भी पब्लिक करें। देखिए ऐसा है, ऐसा है कि ये जो कुल हिंद मुस्लिम मशावरत है 1964 में कायम हुई और उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस वक्त से लेकर आज तक मैं मशावरत से जुड़ा रहा। ये जो नवेद हामिद साहब सदर हुए तो उसकी वजह से मशावरत की पूरी शक्ल सूरत बदल गई। वो बदल गई, इस तरह बदल गई कि उन्होंने मोदी का असर कबूल किया, इस तरह कि मोदी ने कहा था कि पसमादा मुसलमानों के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद उन्होंने रेफरेंडम करा के दस्तूर को बदल दिया और बिल्कुल मशावरत की एक नई शक्ल पैदा हो गई। तो उस मशावरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है जिसमें पसमानदगी गैर पसमानदगी की बात हुई। मेरा ताल्लुक तो उस मशावरत से है जो आफाकी बिरादरी से, यानी इस्लाम की आफाकी बिरादरी से ताल्लुक रहा। इसलिए जो यहाँ कायम हुई है मशावरत कलकत्ते में या मगरबी बंगाल में, वो पुरानी मशावरत और पुराने दस्तूर के तहत कायम हुई है। इनका जो मशावरत है नवेद हामिद साहब का, वो नए दस्तूर के तहत है, उससे कोई उसका ताल्लुक नहीं। दूसरी बात है कि नवेद हामिद जो इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं किया बहुत दिनों से, वो तो हमने उनको लिख के भेज दिया था जमील साहब के ख़त के बुनियाद पर कि 8 साल में 3 सदर बदले और तीनों में पहला जो 8 साल पहले थे वो खुद जमील अंजर साहब थे और सोनियर जो निकला था गोल्डन जिबली का उसमें उनका नाम है बाकायदा, तो वो तो डिनाई नहीं कर सकते। दूसरे ये कि उसके बाद हुए डॉक्टर शकील अख्तर, उसके बाद हुए डॉक्टर एम एन हक, अभी तक हुए, लेकिन अब जो है
पुरानी जो मशावरत है हम उसके अभी जज्बाती लगाव में रहा है, नवेद साहब की मशावरत से मेरा कुछ देना लेना नहीं है। और नवेद साहब अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि अखबार मशीक में है कि वो हमने उनसे कहा और वो उन्होंने कमेटी नहीं बनाई, तो सबूत नंबर पहली बात तो ये झूठ का पुलिंदा है, सुनिए ना, ये झूठ का पुलिंदा है, उन्होंने मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की। और दूसरी बात ये है कि जब वो सदर अब नहीं रहे, दूसरा कोई सदर हुआ है, और वो दिसंबर, हाँ दिसंबर में इलेक्शन हुआ, और अभी जनवरी और फरवरी भी ख़त्म हो रहा है, दो महीना हुआ, अभी एक महीना उनका और है, बोल रहे हैं हम एक्टिंग रहेंगे मार्च। तो जब आप एक्टिंग हैं तभी ख्याल आया कि अब इलेक्शन होना चाहिए, कारगुजार सदर जब आप बने हैं तभी ख्याल हुआ आपको, उससे पहले क्यों नहीं ख्याल हुआ। दूसरी बात यह है कि जब वो हम उससे ताल्लुक़ रखते थे उस वक्त वो गिड़गिड़ा के उनसे उन्होंने हमसे ये कहा था कि यहाँ एक ऑल इंडिया मशावरत की कॉन्फ्रेंस कीजिए, तो आज से 3-4 साल पहले हमने यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाया था, उस वक्त वो भी आए थे। तो आपको अगर 10 साल हो गया या 15 साल हो गया हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर 10 साल हुआ तो 10 साल में आए इसी वक्त मौका मिला जब आप कारगुजार सदर हैं। उन्होंने इलेक्शन तो बता नहीं, ये 15 साल नहीं उन्होंने बताया, जमील मख्तर साहब ने 10 साल बताया, और वही नवेद वो बताया, हमने ये नहीं लिखा है, नवेद हामिद साहब ने लिखा। तो 10 साल के बजाय हमने 8 साल में जिक्र किया कि 8 साल में 3 सदर बने, और सदर जो बनता है वो चुनाव से बनता है, और ये जो होता है क्या उसको कहते हैं, ये जो जनरल सेक्रेटरी होता है या कोई और ओहदा होता है वो सदर चुनता है। अभी आप जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब को कन्वीनर के हैसियत से सेलेक्ट किया गया है, कितना हद तक आपका ताउन रहेगा? मेरा ताउन का तो कोई सवाल ही नहीं, वो हमने उनको लिख के भेज दिया, उन्होंने हमको एक ख़त दिया था, हमने भेज दिया कि देखिए लकुम दीन अकुम वाली दीन वाली बात है, आप अपना काम कीजिए, और ये लोग जो अब बने उसमें हम हैं भी नहीं, यानी हम कोई ओहदा हमने नहीं लिया है, अब वो लोग भी अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए, ख़त्म हो। उसका नाम रखा गया है मगरबी बंगाल मुस्लिम मंजिल मशावरत, वो ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अभी जो प्रेसिडेंट एडवोकेट फिरोज साहब और जावेद अख्तर जावेद फिरोज साहब का जब इलेक्शन हुआ या उम्मीदवार दो खड़े हुए, तो हम लोगों ने जितने हिंदुस्तान के लोग हैं तकरीबन 70 आदमी को उन्होंने निकाल दिया था और 70 को नए लिया था, तो रेफरेंडम की वजह से और 70 आदमी को निकालने की वजह से किसी ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, सब ने बाइकाट किया। तो उससे जब उस नए दस्तूर के तहत तो नया ये मशावरत बन रही है और किसी ने हिस्सा नहीं लिया, तो फिर उससे क्या ताल्लुक़ रह सकता आदमी का, जब हमने बाइकाट किया और हमने नहीं बिल्कुल 70-80 लोगों ने बाइकाट किया, हालांकि हमको निकाला भी नहीं था उन्होंने, फिर भी हमने भी बाइकाट किया। आप लगातार क्या वजह रही जो लगातार आप उनके बातों को लगातार किसके अरे भाई वो तो झूठ बोल रहा है, वो तो शक झूठ बोल रहा है कि लगातार अंधा, वो तो यही अभी कहिए तो मैं कसम खा लूँ कि पहली बार उसने हमको फ़ोन किया कि अजीज साहब अब हम किसी को कन्वेनर बना रहे हैं, हमने इसके जवाब में कहा कि आप कन्वेनर बनाएं या जो भी करें वो आपका हक है, आप करते रहिए, लेकिन हम जो करेंगे वो हमारा हक है, हम करते रहें, ये हमने फेसबुक में लिखा है जब उनसे गुफ्तगू हुई। और उसके बाद हमने जमील मंजर साहब से बात की कि कल आपसे शाम को मुलाकात करना चाहते हैं, तो बोले अरे वो तो जावेद यूसुफ साहब को कन्वेनर बना दिए, तो हमको खबर हुई, पहले हमको बताया कि हम कन्वेनर बना रहे हैं, हमने कहा जो करना आप कीजिए। इसके अलावा कि अभी जो उन्होंने सुना लिखा है कि कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए हमने कहा और फला कहा, ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये सब झूठ है, गलत है, और इससे क्या वो भी कसम खाएं, सब गलत है। और सबसे बड़ा सबूत हम कह रहे हैं कि कारगुजार सदर बनने के बाद आपको यहाँ का ख्याल आया, पहले तो कर सकते हैं, और ये भी हमने पूछा वहाँ के लोगों से जो उनके साथ हैं कि नया दस्तूर में कारगुजार की क्या हैसियत है, वो कन्वेनर बना सकता है, वो कोई कंस्टिट्यूट कर सकता है, तो उन्होंने कहा बड़े कोई फैसला नहीं कर सकता, यानी वो खुद अपने दस्तूर के खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरा दस्तूर तो छोड़ दीजिए।
और हम जो काम करेंगे या जो लोग हमारे हुए हैं वो पुराने दस्तूर के तहत करेंगे, समझ में आया? अमित साहब का जो लेटर वो हटाएं किसी को, हम उसमें है ही नहीं तो हमें हटाएंगे कैसे? बंगाल मजलिस मशवरत बनाने की जो बंगाल मजलिस मशवरत बनाने की जरूरत ये है कि उस मशवरत से जो पुरानी मशवरत है उससे मेरा जज्बाती लगाव है, वो हमारे लिए कमाने या इज्जत कमाने का जरिया नहीं है बल्कि वो हमारे लिए जरिए फलाह आखरत है, इसलिए उससे जज्बाती मेरा लगाव रहेगा जो पुरानी, और नई मशवरत जो नवेद साहब की उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप इतने बरसों तक जुड़े रहे हैं इस मशवरत कमेटी से, मैं बंगाल के लिए खासतौर से क्योंकि ये एक मुस्लिम तंजीम मुस्लिम अदारा रहा है, बंगाल के लिए ऐसे कौन कौन से कारनामे को अंजाम आपने दिया है इस कमेटी के और इस बैनर के? देखिए मशवरत अगर आप शुरू की बात है तो उसके लिए घंटों लगेगा, मगर हाल ही में मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा मसला था बड़ी मस्जिद में जो तनाज़ा हुआ था उसको हमने कमेटी बना के उसका फ़ैसला किया, उसका कज़िया का फ़ैसला किया, ये कोई मामूली बात नहीं थी। अब तक वो फैसला हुआ नहीं? हो गया फैसला हो गया उस, अरे भाई आपको कौन बताया, वो फैसला लिख के बाकायदा अखबारों में छप चुका है, आप सहारा में पढ़ लीजिए, सहारा में छप चुका है। मगर अब तक जो हालात ऑफिस जो बनाने की बात थी या भाई देखिए, मगर वो तो मैं क्योंकि खुद भी मस्जिद का नहीं, आप जो है वो कितनी चीज़ें बाकी हैं, जो चीज़ हम लोगों के सामने आया 5-6 आदमी के सामने, हम लोगों ने 2 महीना मिल के बाकायदा उसका फ़ैसला किया। अब फैसला पर कितना आप मुतवल्लियों से पूछ लीजिए, मुतवल्ली खुश हैं और इमाम साहब खुश नहीं हैं, यही है मसला। नहीं ये तो फैसला नहीं हुआ ना, क्या फैसला? क्योंकि जो पब्लिक का जो डिमांड था या वहाँ के जो इमाम आयमा का जो डिमांड था कि जिस तरह से ऑफिस था उसी तरह से बनाया जाए, वो तो ऑफिस अभी तक मुलायम उसी तरह है। नहीं उसमें ये फैसले में देखिए 90% तो इमाम साहब के ख़िलाफ़ है, आप पढ़ लीजिए, आप उनके पास नहीं होगा तो आके हमसे ले लीजिएगा, बड़ी मस्जिद के कज़िये का फैसला ये मेरे पास है पढ़ लीजिए, और 10% ये है वहाँ और भी मेरे लोग साथ थे, हम अकेले तो थे नहीं, तो उसमें ये किया गया के मुतवल्ली साहबान कहीं दूसरी जगह अपना ऑफिस बना लें, वो एज इट इज़ रहेगा जैसा है, ये फैसला है, ठीक है ना? अब्दुल अजीज साहब का एक ये रहा है क्योंकि अभी मजलिस मशवरत कमेटी का एक बड़ा फंडा चल रहा है और उसको लेकर के अब्दुल अजीज साहब का कहना है कि मस्जिद का जो मामला रहा आप लोगों का वो मामला ऑफिस बन गया है, मतवल्ली ने क्या ऑफिस बना दिया है वो मामला नहीं, ऑफिस जो है ना जिस तरह से तोड़ दिया गया था उसी तरह से टूटा भांगा अभी तक है, उसी में हम लोग जो है उसी कचड़े में हम लोग किसी तरह से बैठ रहे हैं, और फिर बाथरूम वगैरह सब टूटा हुआ है, सबके बहुत तकलीफ हो रही है, अभी सर्दी गुजरा इतनी परेशानी हुई कि मत पूछिए, वजू के लिए बाथरूम के लिए जाने के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है, लाइन लगा रहता है, काफी परेशानी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि कहना है कि हमने मतवल्ली से बात की और मतवल्ली ने कहा है कि मैं उसको कर भी रहा हूँ ऐसा। नहीं नहीं ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, इसमें कोई एक जरा सा सदाकत नहीं, आप आके देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए आकर के और फोटो ले करके चले जाइए, देख लीजिए समझ लीजिए, कोई मना नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, खुद उनको भी आकर के देख लेना चाहिए, अगर वो दावा कर रहे हैं तो उनको भी आके देख लेना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अभी मजलिस मशवरत का जो मामला जो चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने कहा है, एक ये दिया है दावा किया है कि मजलिस मशवरत के जरिए इस मामले को हल कराया गया है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार बात है, मशवरत वगैरह ये सब का कोई इसमें रोल नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, बल्कि और उलझा दिया गया है मामला को इससे और बेकार कर दिया गया, और सबसे ज्यादा तो मामला को उन्होंने ही उलझाया जी, अब्दुल अजीज साहब ने जी 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 जी, तो अब तक का मामला हल नहीं हुआ है और ना ही ऑफिस बना है। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, आकर के आप देख लीजिए ना, हमको कोई इसमें कोई इतराज थोड़ी है, कोई भी आकर के देख ले 6 महीने हो गए उसी तरह से पड़ा हुआ है कचरा में, हम लोग उसी तरह से बैठ रहे हैं, किसी तरह से कहाँ बैठेंगे जी। और कुछ ऐसे कारनामे की बड़ी, और अभी भी अरबुल इस्लाम से हम लोग मिले, अब्बास सिद्दीकी से मिले, इन लोगों को हम लोगों ने बताया कि भाई आप लोग आपस में मत लड़िए, बहुत नुकसानदेह होगा, इसलिए कि मुसलमान मुसलमान लड़ेंगे, अभी पंचायत का इलेक्शन आने वाला है, इसमें 2-4 आदमी आपके कत्ल होंगे, 2-4 आदमी, ये समझाने हम लोग वहाँ गए, और इस तरह अर्जुन सिंह का मामला था
जब वहाँ कांठीनारा में फसाद हो रहा उस वक्त भी हम लोग गए, तो वो काम करें जो दूसरे लोग नहीं गए। देखिए मैं एक्टिविस्ट हूँ, राइटर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मेरा असल वादा ये है, ये सदर और सिक्योरिटी का वादा मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमको लोग जो जानते हैं वो ज़्यादा हमारी तहरीरों से, हमारी जो खिदमात हैं समाजी, छोटा हो बड़ा हो हम लोग मसला टेकअप करते हैं, ठीक है ना। और जब आप तफसील कीजिएगा तो हम आपको लिख के बताएंगे जब से मशावरत कायम हुई कितना बड़े, कितने बड़े बड़े काम हुए हैं, ये इसमें कोई शक नहीं। आज भी ममता बनर्जी जो के ख़िलाफ़ अगर कोई बात बोली जाती थी तो मशावरत के जरिए ही बोली जाती थी, हम ही ज़्यादा बोलते थे। ये भी जो सिद्दीकी का वो हुआ था, गिरफ्तारी हुई, उसमें हमने दो बयान दिया था जो सहारा में छपा। आपका जो बंगाल मशावरत कमेटी जो बन रही है उसमें कौन प्रेसिडेंट होंगे? और प्रेसिडेंट तो हो गए, इंताज अली शाह जो एक्स चेयरमैन पेनल्टी कमीशन हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनको सदर बना दिया गया। क्या आप लोगों का लाए अमल क्या होगा? लाए अमल जो पुरानी मशावरत है और उसका जो पुराना दस्तूर है उसके तहत वो काम होगा, ठीक है ना। मशावरत कमेटी को लेकर के वावीला मचाहा को शहर कोलकाता में और दूसरी कमेटी भी बनने जा रही है अब्दुल अजीज साहब को हटाने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज साहब तो एक इकाई थे मशावरत यूनिट के बंगाल के, हमने तो दस्तूर के हिसाब से 10 बरस से मशावरत वहां पर अब्दुल अजीज साहब की एक तरह से हॉस्टेज बनी हुई थी। कौन प्रेसिडेंट है कुछ मालूम नहीं होता था, कभी खबर आती थी कि जमील मंजर साहब हैं, मालूम होता था कि वो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, वो किसी को भी नाम अनाउंस कर देते थे अखबार में, कोई इलेक्शन नहीं होता था। मुशावरत का पुराना और नया दस्तूर दोनों इस बात की वाज़ह तौर के ऊपर ये हिदायत देता है कि मुशावरत का जो भी स्टेट इलेक्शन, जहां भी स्टेट इलेक्शन होगा, उसकी वोटर लिस्ट जो है वो सेंट्रल मुशावरत के पास आएगी, सेंट्रल मुशावरत जो है उस वोटर लिस्ट को मंजूर करेगी और उस मंजूर करने के बाद वहां पर उसका उस वोटर लिस्ट से इंतखाब होगा। बड़ी अहम बात यह है कि सेंटर के जो भी स्टेट में मेंबर होते हैं, सेंटर बंगाल से 3 मेंबर हैं सेंटर के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत के अंदर, एक अब्दुल अजीज थे, एक जमील मंजर साहब हैं और एक आपका मुर्शिदाबाद से हारून रशीद साहब हैं। दस्तूर की रोशनी से ये मैंडेटरी है कि जो सेंटर के मेंबर हैं उस स्टेट से, पर्टिकुलर स्टेट से, वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई बात आपके? 10 बरस से हम कह रहे हैं थे कि इलेक्शन कराइए, 19 तारीख को मैंने 19 फरवरी को उनको फिर फोन किया कि भैया आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते, आप नहीं करा सकते तो कौन प्रेसिडेंट है उस प्रेसिडेंट का मुझे नाम बताइए। उन्होंने कहा कि कोई हक साहब है, मुझे पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा लेकिन कोई हक है। अब ये बताइए अगर रियासत के अहदेदार को अपने सदर का नाम भी पूरा नहीं मालूम और वो हक करके कह रहे हैं तो कितना जेन्युइनली वो स्टेट यूनिट चल रहा है इसका अंदाजा लगा जा सकता है। उनका मैंने कहा कि भाई उनके नाम दीजिए मुझे, उन्होंने कहा मैंने कहा ठीक, हमें फिर एक कन्वीनर बनाना पड़ेगा जो इंतखाब कर दे, ये बात सुन के उन्होंने काट दिया टेलीफोन। तो हमने दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर जो दो और मेम्बरान है जमील मंजर साहब और हारून रशीद साहब, उनसे पूछा किसको बनाया जाए और दोनों की राय थी कि जावेद यूसुफ साहब को कन्वीनर बना दिया जाए, उनकी देखरेख में इलेक्शन हो जाएगा। जब ये अनाउंसमेंट हो गया 20 तारीख को तो अचानक 22 तारीख को उन्होंने एक मीटिंग बुला के और ये पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे कि उन्होंने इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन कराने के लिए सेंटर के से मंजूरी लेने जरूरी है, नंबर वन मेंबरशिप की। दूसरी बात यह कि उसका इलेक्शन ऑफिसर बनेगा, इलेक्शन ऑफिसर बनेगा। तीसरी बात यह है कि क्या जो मीटिंग हुई है अगर कोई सदर था मुशावरत का बंगाल का वो शरीक थे, प्रेसिडेंट कन्वीन करेगा कोई भी मीटिंग? हर आदमी कन्वीन नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट कन्वीन करेगा, वो फिर अपॉइंट करेगा इलेक्शन ऑफिसर, फिर वहां पे इलेक्शन होगा। अब जिन लोगों का इन्होंने अनाउंस किया है वो तो कभी मुशावरत के मेंबर भी नहीं रहे, कभी हमने नाम भी नहीं सुना उनका,
और जस्टिस यूसुफ साहब के साहबजादे हैं जावेद ख्वाजा जावेद यूसुफ साहब, उन्होंने ये मुझे इत्तला करी कि जिन साहब को उन्होंने सदर अभी नामजद किया है, इलेक्शन नहीं हुआ नामजद किया है, उनसे उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हाँ अब्दुल अजीज साहब का फोन तो आया था, उन्होंने कहा था ये एक मुसावत है उसका हम आपको सदर बनाना चाहते हैं, सदर बना दिया आपको, तो मुझे तो मालूम नहीं मुसावत क्या चीज है, तो मुझे तो टेलीफोन के पर कहा गया। इसका मतलब ये है कि वो पैरेलल मुसावरत बनाना चाहते हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी लिख दिया कि हमारा जो पेरेंट बॉडी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो उन्होंने गैर दस्तूरी काम किया है, ऐलान भी कर दिया वो मुशावरत से मेंबर नहीं है। एक सवाल, एक सवाल उन्होंने कहा है कि अभी जो नवेद हामिद साहब के जो मुशावरत कमेटी है, पहले की मुशावरत कमेटी में जो दस्तूर जो हुआ करता था उसमें उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और अभी के जो दस्तूर है वो नवेद हामिद साहब बीजेपी के दस्तूर को अपनाते हुए ये मुशावरत कमेटी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये ऐसा ही हो गया जैसे मैं कह दूं कि वो इसराइली एजेंट हैं और सारे इसराइली एजेंटों को वो बुला रहे हैं वहां पे टेलीकारिक को, ये ऐसा ही हो गया जैसे जैसे, तो ये तो कुछ भी कहो किसी को कह दे कुछ भी कह दे। मुशावरत का दस्तूर जो है वो बाकायदा 78% से लेके और 84% लोगों ने पास किया है, एक एक एक, एक, एक आर्टिकल अमेंडमेंट्स को, तो जिन लोगों ने पास किया है खुद अब्दुल अजीज साहब ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया, जमात इस्लामी ने रेफरेंडम में हिस्सा लिया, नेगेटिव वोटिंग करी। जब आप किसी रेफरेंडम में नेगेटिव वोटिंग करें या पॉजिटिव वोटिंग करें तो आप उस रेफरेंडम का पार्ट हो गए या नहीं हो गए? इलेक्शन में आप इलेक्शन में जब आप जाते हैं तो वोटिंग करके चाहे नोटा लगाए आप, नोटा एक ऑप्शन नोटा भी है ना, अगर आप नोटा के ऊपर आप अपना वोट देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? यू बिकेम पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस। आप समझी बात को? नहीं समझी? तो इनके कहने से कुछ नहीं होता है। उसी दस्तूर के हिसाब से नया इंतखाब हुआ है और ये झगड़ा जो वो खड़ा करना चाहते हैं वो अपनी माफ कीजिएगा अपनी वो खाल बचाना चाहते हैं। मैं एकदम बहुत सारा 10 बरस से उन्होंने वो ये बताएं कि मुशावरत के पुराने दस्तूर के हिसाब से भी मुशावरत स्टेट मुशावरत एक एक परसेंटेज सेंटर को भेजता है आमदनी की इनकम की, जिसको डोनेशन मिलती है फीस मिलती है, उन्होंने क्यों नहीं भेजा आज तक? उन्होंने सेंटर को क्यों नहीं बताया कि कितना पैसा उन्होंने जमा किया है आज तक? उन्होंने किसी मीटिंग में क्या हिसाब किताब पेश किया अपने यहाँ? बहुत अहम बात है, पेश किया तो उसके मिनट्स बताएं। और ये जो मीटिंग उन्होंने की है 22 तारीख को या 21 तारीख को उसके मिनट्स बताएं वो, और उससे पहले जब भी मीटिंग हुई है इलेक्शन के ताल्लुक से वो कहते हैं हाँ इलेक्शन होता रहा है उसके मिनट्स बताएं। तो वो एक बुजुर्ग आदमी है ठीक है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी अब उनकी अकल वकल जो है वो मैं समझता हूँ कि ऐसी अब ऐसी नहीं रही है कि वो माकूल बात कर सकते, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका एक सवाल उनसे बात करने के बाद ये भी बताया गया है कि उन्होंने कौमी मसाइल को बहुत ज्यादा हल किया है, जैसे कि नाखुदा मस्जिद के अभी जो मसले को मसला जो चल रहा था उसको लेकर के भी उन्होंने हल किया है, जबकि मैं खुद इन्वेस्टिगेशन की हूँ अब तक कुछ मसले का हल नहीं हुआ है। अरे सुनिए ना, बंगाल में जो उनकी इमेज है वो बंगाल के मुसलमानों से पूछिए, मुझसे क्या पूछेंगे आप बात? मुझसे क्या पूछेंगे? मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, बंगाल के मुसलमान ज्यादा बताएंगे उनके बारे में? वो हमारे बुजुर्ग हैं ठीक है, बस हम उतना कह सकते हैं। तो क्या अभी जो बंगाल मजलिस मुशावरत कमेटी बन रही है इसका क्या इफेक्ट आने वाले कल में आपके मजलिस मुशावरत कमेटी पे बने पड़ेगा? उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुस्लिम मजलिस मुशावरत की जो पेरेंट बॉडी है उससे उनका ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब उन्होंने मुशावरत जो मुशावरत है उससे अपनी लहजी कर ली, हम उसका सवाल कर दे, उन्होंने अच्छा है वो चले गए मुशावरत छोड़ के। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके थैंक यू।